सोनू और मिथिलेश, आज हमने आपकी शादी कराई है। पहले आर्य समाज से शादी हुई है, फिर आपकी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के यहाँ से ये मैरिज रजिस्टर्ड हुई है, तो लीगली आपकी मैरिज हो चुकी है। आप जब आए थे तो हमने आपसे पूछा था कि आप मर्जी से आए हो या नहीं, क्या पूछा था? अपनी मर्जी से कर रहे हो? हाँ ठीक है, किसी और किसी नहीं, मर्जी नहीं आपकी। हाँ तो क्या बताया था आपने? हम दोनों मर्जी है। आप दोनों की मर्जी है। कितने टाइम से जानते थे एक दूसरे को? डेढ़ साल से। डेढ़ साल से, मतलब तो ऐसा तो नहीं कहीं ये लगा हो भाई आपको, जैसे हमने एक दूसरे को खूब ढंग से पहचान लिया इस तरह? हमको मतलब हम दोनों अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, बढ़िया से। ठीक है, इसीलिए हमने किया है। इसीलिए आपने किया है, आपकी मर्जी रही है। अच्छा, इनका कोई दबाव हो आप पे, कोई प्रलोभन दिया हो इन्होंने, किसी तरह का कोई इस तरह का नहीं है? ठीक है ना, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। और सोनू, उल्टा मामला था, लड़की दबाव में लाई हो तुम्हें? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी भी मर्जी रही है शादी में? प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत है, ठीक है। आप दोनों की मर्जी है, इसका मतलब ये समझे। तो जब आप यहाँ पहुंचे थे तो सबसे पहले हमने आपके डॉक्यूमेंट लिए, डॉक्यूमेंट लिए ना, डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया है आपने? टेंथ क्लास की मार्कशीट है और आधार कार्ड है। देखिए, टेंथ क्लास की जो मार्कशीट होती है वो एक मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है एज के लिए भी, तो उससे ये आपका वेरीफाई होता है कि जो आपकी उम्र है वो पूरी है, ठीक है ना। और यही कारण है कि हम आपकी शादी करा पाए। यदि एज आपकी 18 साल से कम होती तो हम शादी नहीं करा पाते थे, क्योंकि आपकी जो एज है वो 10/7/1997, तो 25-26 साल, दोनों ही मैच्योर एज में हो। ऐसा नहीं है किसी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे नहीं हो, तुम समझदार हो गए हो। तो कानून मान लेती है लड़की 18 साल से ऊपर है या लड़का भी 18 साल से ऊपर है, तो समझदार तो मान लिया जाता है 18 साल से ऊपर ही, वोट का अधिकार मिल जाता है। पर शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तो दोनों की 25-26 साल उम्र है, तो इसलिए ये शादी हो पाई है। आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट है सोनू? हमारे 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, इसके आधार पर आपकी भी एज, एड्रेस, आईडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले हमने आर्य समाज मैरिज कराई है आपकी, उसका ये सर्टिफिकेट है, आर्य समाज मैरिज का ये सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है कोर्ट के लिए, आपसे कुछ साइन वगैरह कराए थे हमारे स्टाफ ने, मैडम ने? जी कराए थे। जी। कितने सारे साइन हुए थे? बहुत सारे साइन हुए थे। कोई रिटर्न में आपने संस्था को एप्लीकेशन भी दी है जिसमें ये कहा हो कि भाई हम मैरिज कराना चाहते हैं, रिटर्न में आपने लिख के? नहीं, लिख के दी है। शुरुआत में कोई बात, आपने कोई रिटर्न में ऐसी एप्लीकेशन दी है जिसमें संस्था को, जिसमें आपने ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई हम, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मेरी इतनी उम्र है, मैं सोनू से प्यार करती हूँ और मेरी शादी कराई जाए, ऐसी कोई रिटर्न में एप्लीकेशन दी आपने? दी है आपने। आपने भी दी है? तो दोनों तरफ से इस तरह की संस्था को एप्लीकेशन दी, उसके आधार पर ही आपकी लीगल मैरिज ये कराई गई। फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में हमने प्रेजेंट किया है, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने। तो वहाँ बायोमेट्रिक हुए थे आपने? जी। बायोमेट्रिक होने के बाद ये सर्टिफिकेट, एक दूसरा सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, यही लिखा है इसके ऊपर। जी। ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। तो ये जो मैरिज हुई आपकी, ये पूरी तरह से लीगल है, ठीक है ना। कहीं भी पूरे जीवन भी आपको सर्टिफिकेट, अपना मैरिज का प्रूफ कहीं देना है तो यही सर्टिफिकेट लगेगा, इससे अलग कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं होता। अब बात आती है, क्योंकि ये आपका प्रेम विवाह है, परिवार राजी नहीं है, ऐसे ही है ना, आपने परिवार के खिलाफ जाकर के शादी की है। जाति दोनों की एक है, अलग अलग है? अलग अलग जाति है। जब कास्ट अलग अलग होती है तो कई बार स्थिति और थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होती है, और परिवार ये कोशिश करता है कि इन्हें कैसे करके अलग किया जाए। आपके परिवार का ये हो सकता है कि सोनू के खिलाफ कोई झूठी FIR दर्ज करा दे, ठीक है ना, पुलिस में, तो आपके बयान भी वहाँ कराने पड़ सकते हैं। तो क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन सोनू का ये था उस समय कि हमारे खिलाफ कोई झूठी FIR वगैरह हो जाए तो क्या हो सकता है उसमें। तो आपको जो है अपनी बात रखनी है स्पष्ट रूप से, कोई झूठ साँच का सहारा नहीं लेना, जो सच है वो कहना है कि हम दोनों बालिग हैं, और जितना पूछा जाए उतना कहना है हमने अपनी शादी की है, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। तो इस तरह से बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी स्थिति में। अब दोनों खुश हैं शादी के बाद? जी। एक बार ये सर्टिफिकेट दिखाओ, इस वीडियो दिखाओ, पकड़ लो इसको, हाथ लगाओ, आप दोनों हाथ लगाओ। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों को बहुत बहुत बधाई, दोनों खुश रहो।